कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। केंद्र की मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बावजूद किसान आंदोलन चलता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के जारी रहने का ऐलान किया है। राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून संसद में रद्द नहीं हो जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने साफ किया, सरकार किसानों के दूसरे मुद्दों पर बात करे। उन्होंने कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार MSP के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर बातचीत करे। ये किसान की एक जीत है। अगर एक साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए। ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन का हिस्सा बना, वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। 3 जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पर ही है, और MSP पे गारंटी कानून, क्योंकि MSP पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा।